तो भाई मार्वल के फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है एंट मैन वास्प क्वांटम मेनिया से। भाई आज मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने मूवी देखी भी। मूवी कुछ इतनी खास इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे भाई, स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। अगर आप में से कोई मूवी देखना चाहता है तो जाकर देखो, आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में यार जो मजा आने वाला है वो सच में लाजवाब होगा, क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन ने पूरे थिएटर को हिला के रख दिया था। और बात करें मूवी की, तो हमारे स्कॉट लैंग की एक खुद की किताब आ चुकी है जो कि मार्वल ऑफिशियली भी रिलीज करेगा, जिसे आप जाकर खरीद सकते हो। और जो हमारे स्कॉट लैंग की बेटी थी कैसी, वो एक साइंटिस्ट बन जाती है जो कि एक क्वांटम रील में जाने का रास्ता बना देती है, जिसमें कोई गड़बड़ हो जाती है और वो सभी जो है क्वांटम रील में फंस जाते हैं। और वहां पर उन्हें मिलता है फेज 5 का मेन विलन, जिसे कि आप सभी जानते हो, कैंग। तो भाई मूवी में जो कैंग दिखाया गया ये वाला मेन कैंग नहीं है, जो सबसे पावरफुल कैंग है वो हमें कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑलमोस्ट 2026 तक देखने को मिल जाएगी। भाई जैसी ठंडी शुरुआत फेस 4 के साथ हुई थी ब्लैक विडो की मूवी के साथ, तो वैसी शुरुआत फेस 5 की नहीं है, उससे तो कई गुना बेटर है मेरे भाई। एंड मे बी हो सकता है कि जो मार्वल के कट्टर फैन है वो ज्यादा ही कैंग से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि कैंग ही एक ऐसी वजह है जिससे कि मार्वल्स के फैन आगे की मूवी में भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाली बड़ी मूवीज का विलन भी कैंग ही होने वाला है। अगर ये मूवी मेरे लिए खाली एंटरटेनमेंट के लिए होती तो शायद मुझे ये मूवी अच्छी लग सकती थी, मतलब कि ये नहीं कह रहा कि ये मूवी एंजॉयमेंट वाली नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से फेज 5 को भी सेटअप करती है। और इस मूवी में जो क्वांटम रेल के अंदर की दुनिया दिखाई गई है ना भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है भाई। पूरी मूवी के अंदर मैं ज्यादा हाई अप पता है कब हुआ, इस मूवी के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। रुके रहना भाई, मजा आएगा। एक है मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट, और भाई पोस्ट क्रेडिट सीन आते ही जो ऑडियंस चिल्लाई है ना, तो भाई मजा ही आ गया था। अगर दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को साइड में रखें तो ऑल ऑफ मार्वल्स की मूवी के मुकाबले ये मूवी ठीक ठाक ही लगेगी। वैसे भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो मूवी जाकर देखने के, तो भाई देखो, आपको मजा आएगा। और अगर आपने मूवी देख लिया है तो यार कमेंट में बताना आपको मूवी कैसी लगी। दोस्तों तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन पर जरूर करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गत छोरा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।